नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में खूब सियासी हलचल हो रही है। एक दूसरे की पार्टी तोड़ने और नेताओं को पाले में करने का जो सिलसिला है वो काफी तेज हो गया है। खास करके जब से जाति आंकड़े सामने आए हैं तब से सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बदलने और जाति के हिसाब से फायदा लेने के लिए उस जाति के हिसाब से नेताओं को पाले में करने की जो कोशिश है उसके मान मनोवल करने में जुट गई है। अभी जेडीयू के टूट की खबरें चली रही थी कि इसी बीच अब सूत्रों के हवाले से आरजेडी में टूट की खबर सामने आ गई। खबर है कि बीजेपी अति पिछड़ा नेता जो आरजेडी जेडीयू में हाशिए पर है उन पर फोकस करना शुरू कर चुकी है और इसी कड़ी में आरजेडी के एक पूर्व सांसद जो अपने समाज में कदावर हैं और बीजेपी उन्हें साथ लेना चाहती है और वो कोई और नहीं बल्कि बुलो मंडल हैं। वही बुलो मंडल जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का सफाया कर दिया था। 2014 लोकसभा चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी रहे बुलो मंडल ने बीजेपी के उम्मीदवार शहनवाज हुसैन को हराया था और अब जो पार्टी में साइडलाइन पर चल रहे हैं बुलो मंडल, वही बुलो मंडल अब बीजेपी की नज़र उन पर टिक गई है और अंदर खाने ये खबर सामने आ रही है कि 2024 से पहले उलटफेर की बड़ी खिचड़ी पक रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बुलो मंडल जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अति पिछड़ा समाज से आने वाले आरजेडी के नेता को ना सिर्फ दल में शामिल कराया जाएगा बीजेपी में अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो, बल्कि लोकसभा का टिकट भी कंफर्म है उनके लिए। चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी अति पिछड़ों में बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी बुलो मंडल के जरिए। हालांकि बुलो मंडल ने आरजेडी छोड़कर बीजेपी में जाने की कोई भी बात अपने तरफ से नहीं की है, कोई भी बात सार्वजनिक तौर पर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आरजेडी के अंदर ये चर्चा है कि बुलो मंडल की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। आरजेडी के अंदर खाने इस तरह की बातें जो है वो चल रही है। कहा जा रहा है कि भागलपुर से आरजेडी के पूर्व सांसद बुलो मंडल बीजेपी के संपर्क में है। दरअसल बुलो मंडल भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भागलपुर सीट खाली नहीं है फिलहाल। महागठबंधन में अगर देखा जाए तो वो सीट फिलहाल जेडीयू के खाते में है। वहां से 2019 में जेडीयू के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। बता दी कि 2019 लोकसभा चुनाव में भागलपुर के सिटिंग सांसद बुलो मंडल को जेडीयू के अजय मंडल ने हराया था। वहां से बुलो मंडल को हार का सामना करना पड़ा था, जो कि अभी वहां के मौजूदा सांसद हैं अजय मंडल। उनसे 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने अजय मंडल को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी के सहयोग से जेडीयू कैंडिडेट ने आरजेडी प्रत्याशी बुलो मंडल को 2,77,000 से ज्यादा मतों से परास्त कर दिया था। जेडीयू कैंडिडेट अजय कुमार मंडल को 6,18,254 मत मिले थे, जबकि आरजेडी प्रत्याशी बुलो मंडल को 3,40,624 वोट मिले थे। ऐसे में अब यहाँ ये सवाल उठते हैं कि बीजेपी बुलो मंडल पर दाव क्यों लगाना चाहती है, जबकि 2019 में चुनाव जीते भी नहीं थे। तो इसके पीछे की जो वजह है वो भी आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह ये है कि बुलो मंडल अति पिछड़ा समाज गंगौता से आते हैं और इस जाति की आबादी भागलपुर में अगर देखा जाए तो भागलपुर संसदीय क्षेत्र के अलावे अगल बगल के जिलों में भी काफी ज्यादा है। बताया जाता है कि सिर्फ भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में इस जाति के लगभग 2.5 से 3 लाख वोटर हैं, जो कि एक बड़ी संख्या में है और बीजेपी इसे ही अपने पाले में करना चाहती है और इसी के लिए बुलो मंडल पर दाव भी बीजेपी चल रही है। अब बुलो मंडल बीजेपी में जाते हैं या नहीं ये तो आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि बुलो मंडल की तरफ से अभी कोई भी सार्वजनिक तौर पर कोई भी बातें सामने नहीं आई है। लेकिन अगर गए तो बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा, बुलो मंडल से जाने से कितना नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।